हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुलोचना मीना है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में ऑल इंडिया रैंक 415 सिक्योर किया है एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो सिंस मैंने भी एक साल में प्रिपरेशन की थी तो मैं 1 ईयर प्लान डिस्कस करना चाहूँगी। उसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था जैसे 2020 अगस्त टू 2021 अगस्त तक। तो मैंने अगस्त में जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले अपने ऑप्शनल पे आप फोकस कीजिए, अपना ऑप्शनल आप पहले से टॉपर्स की वीडियोस देखिए, रिसोर्सेज कलेक्ट कीजिए और उसके बाद अपने पेपर पे आइए। यूजुअली ये होता है कि ऑप्शनल पेपर में पेपर वन एक बेसिक होता है, फाउंडेशन होता है, पेपर टू में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि सोशियो में था। तो इसलिए आप अपने पेपर वन पे काफ़ी अच्छे से उसको फोकस कीजिए और उसके फंडामेंटल्स को आपको बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है और पेपर टू आपका थोड़ा ईजी हो जाएगा उसकी वजह से। तो आपको पेपर टू में आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। जब आपका एक बार ऑप्शनल कवर हो गया तो उसी ऑप्शनल के साथ साथ ही आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एडिटोरियल समझने की कोशिश कीजिए। कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है उसे गूगल कीजिए। करंट अफेयर्स के ऊपर आपके कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वेबसाइट्स जैसे IAS बाबा है या फोरम IAS है, तो वो 10 questions एवरी डे निकालते हैं तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल कवर हो जाएगा आपका, 2 to 3 months में कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद आप GS में आ गए तो GS के लिए आपका जो भी कंफर्टेबल सब्जेक्ट है आप उससे स्टार्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पॉलिटी था तो मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने पॉलिटी के लिए बेसिक रिसोर्सेज देखे क्या है, बेसिक सबसे बेसिक जो कि जानते हैं हम बाइबल है, तो लक्ष्मीकांत को मैंने पढ़ा। तो उसके अंदर मैंने डिवाइड कर लिया उसमें कि ये लक्ष्मीकांत है, इसके 5 to 6 पार्ट्स हैं, मुझे फर्स्ट पार्ट इतने टाइम में करना है, सेकेंड इतना। एक बार कवर होने के बाद आप उसको दोबारा से उसी टाइम रिवाइज कर लीजिए, बाद के लिए मत छोड़िए। उस टाइम रिवाइज हो गया आप उसको कवर करके रख दो, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑप्ट करो। तो ऐसे 1 मंथ में तो आपके सारे सब्जेक्ट हो ही जाने चाहिए। प्लस कुछ ऐसे हमारे कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी था तो वो मैं साथ साथ पढ़ती थी, उसके लिए मैंने अलग कोई टाइम डेडिकेट नहीं किया था। नेक्स्ट जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। आंसर राइटिंग आप तभी स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि आप तभी इंटरलिंक कर पाएंगे। तो आपको उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। आप 1 question per day, 2 questions per day ऐसा कर सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट, आप सभी को जिस चीज का इंतजार था वो समय आ गया है। इस बार करीब 11 लाख यूपीएससी एस्पिरेंट ने प्रीलिम्स को दिया है। आप सभी जानते ही हैं कि जो प्रेप लेटर है उसका कंटेंट वो काफ़ी अमेजिंग है क्योंकि इसमें जो फैकल्टीज हैं वो सारे इंडिया के टॉप फैकल्टीज हैं। गाइस, हाई यील्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट की वजह से इस बार 88% क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रेप लेटर के कंटेंट से आए हैं। सो गाइस, आपको एक और गुड न्यूज़ बता दूं कि प्रेप लेटर 2023 के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, उनके लिए यूपीएससी मिशन 2023 करके ला रहे हैं। इसका मतलब यह कि 2023 के स्टूडेंट्स के लिए GS बैचेस ला रहे हैं। सो गाइस, अब यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं प्रेप लेटर के साथ ओनली 6,900 रुपीज़ में। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, 6,900 रुपीज़ में ओनली। सो गाइस, ये जो प्रेप लेटर है उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में जो यूपीएससी का मटेरियल है या फिर जो भी वीडियो लेक्चर है या फिर जो भी कंटेंट है वो अवेलेबल है। सो अगर मैं आपको सिलेबस की बताऊं इसमें जो क्या कंटेंट कवर किया जाएगा 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसमें 500+ hours की लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, साथ ही आपको 7,000+ questions बैंक मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेगा, साथ ही मैगजीन मिलेगी, यानी कि आपको सब कुछ मिलेगा। सो गाइस, देरी किस बात की, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आज ही प्रेप लेटर ऐप डाउनलोड करें। साथ ही मैं आपको बता दूं गाइस, आपको 24 घंटे का फ्री एक्सेस मिलेगा प्रीमियम GS का, यानी कि सारे सिलेबस का प्रीमियम कंटेंट का। सो गाइस, उसके बाद भी आपको एक्सेस रहेगा जैसे कि NCERT सम्मरीज मैगजीन, करंट अफेयर्स मैगजीन सम्मरीज। साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें आपको फ्लैश कार्ड के रूप में बहुत सारी यूपीएससी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो दोस्तों, अगेन देरी किस बात की, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रेप लेटर ऐप जरूर डाउनलोड करें। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए आंसर राइटिंग में उसके बाद आप एसेज लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। प्री से पहले आप 2-3 एसेज लिख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड। अगर आपके
ऐसे में फ्लो है, कॉन्टीन्यूटी है, आपके पास पॉइंट्स तो है सफिशिएंट, या आपके क्या इश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चर नहीं बन पा रही है, क्या हो रहा है, वो सारे इश्यूज़ आपको उस टाइम पता लग जाएंगे, तो आप ट्री के पास सीधा उसको उस पर उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, आप डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का पर्सपेक्टिव भी काफ़ी चेंज हो जाता है। अब अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको डिजिटल नोट्स में ही आप उसको कर सकते हैं, तो आप डिजिटल नोट्स बना लीजिए आपके, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स हैं कि ये चीज़ तो मुझे बार बार याद नहीं हो रही है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, अपने रूम में कहीं भी चिपका दीजिए, उसको डेली डेली रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट, आपको मैथ्स पे काफ़ी फोकस करना है, ओनली प्री के पर्सपेक्टिव से नहीं, बट आपको मेंस में भी कई बार मैप्स बनाने होते हैं, तो आपको इंडिया और वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल मैप आपको बाय हार्ट होना चाहिए। आप सोचो, मतलब कोई आपको नाम ले ब्लैक सी और आपको बस याद होना चाहिए कि उसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, वेयर डज इट स्टैंड, तो उसके लिए आप कुछ निमोनिक्स भी याद कर सकते हैं, तो जैसे ब्लैक सी के लिए टर्किश बर्गर यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप इनको बाय हार्ट कर सकते हैं। प्लस आंसर राइटिंग के लिए आप डेटा, फैक्ट्स, इनको भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको किसी मैगजीन से भी सीधा मिल सकते हैं, या फिर आपको न्यूज़पेपर से भी सीधा मिल सकते हैं। करंट अफेयर्स की एग्जांपल्स को यूज़ करने के लिए आप जब न्यूज़ को पढ़ रहे हैं तभी इसको सोचिए कि मैं इस इसे कहाँ पे एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकती हूँ, सेक्युलरिज्म में यूज़ कर सकती हूँ, या सेंटर स्टेट रिलेशंस में यूज़ कर सकती हूँ। तो एग्ज़ाम के जब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आपको थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, बस उसे ऐसे ही पढ़ना नहीं है। प्लस जो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन वाला पेज होता है, अगर वो काफ़ी अच्छा है तो आप उनको सेव करके रखो अपना लैपटॉप में, आईपैड में, और उनको हाईलाइट करके रख सकते हो, बाद में आप उनको रिवाइज करते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसका रिवीजन ही होता है, आपको काफ़ी अच्छे से रिवीजन करना है। और प्री जब आ जाए तो प्री के दो, जब अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो एटलीस्ट आप 3 महीने पहले बाकी सब कुछ छोड़ दो, प्री करो, क्योंकि आप मेंस का कितना भी कर लोगे अगर आपका प्री नहीं हुआ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए 3 महीने पहले आपको बाकी सब छोड़ देना है, प्री की प्रिपरेशन में आ जाओ। आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है मार्केट से, कोई भी 2-3 इंस्टीट्यूट अलग अलग, आपको उनकी टेस्ट सीरीज़ लेनी है, उसके बाद आप वो टेस्ट लगाइए। मिनिमम आपको 30 टेस्ट तो लगाने ही है, फुल लेंथ की मैं बात कर रही हूँ, और उनका भी आपको रिवीजन करना है, उन्हें अच्छे से एनालाइज करना है, उसके बाद उन्हें उनका रिवीजन करना है। और आपको OMR शीट के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बिल्कुल ऐसे एग्ज़ाम हॉल वाली फील आए। आप बाहर भी दे सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्री ओपन मॉक टेस्ट करवाते हैं, तो आप वहाँ जाइए, अपनी रैंक आपको ऑल इंडिया लेवल पे भी पता लग जाएगी। उसके बाद प्री तक ही हो जाएगा। प्री होने के बाद आपको प्री के पास ज़्यादा टाइम ना लें, 3-4 दिन मैक्स, 5 दिन मैक्स ले लीजिए कि आप रिफ़्रेश हो जाएंगे, और आपको फिर से अपने रिसोर्सेज देखने लग जाने चाहिए कि मेंस के लिए अब क्या पढ़ना है। मेंस काफ़ी करंट ओरिएंटेड रहता है, लेकिन बहुत प्रेडिक्टेबल होता है कि यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है, तो ऐसी जो प्रेडिक्टेबल थीम्स होती है उस पर अपने एक आंसर, आप उसका फ्रेमवर्क तैयार रखिए। टॉपर्स की कॉपीज़ पे भी काफ़ी फोकस कीजिए उनके, उससे भी आपको बहुत रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा और ऑथेंटिक भी होगा। वहाँ से आप एग्जांपल्स देखिए, उनके स्ट्रक्चर देखिए, उनके पॉइंट्स देखिए, वो कितना कम, मतलब कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम लिखते हैं फिर भी उनको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हम घास तो नहीं काट रहे हैं, हम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेंस के टाइम पे काफ़ी सीरियस रही है, बस सोचिए कि बस ये 2-2.5 महीने की और बात है, और उसके बाद मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस के लिए कई इंस्टीट्यूट्स कंपस वगैरह निकालते हैं, तो मैंने राउस की कंपस यूज़ की थी, उनको देखा था कि कौन कौन से करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं, वहाँ से आप करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे लास्ट 1 ईयर के, वहाँ से आप एक बार नज़र डाल लो सब पे कि किसी एक्ट कोई अमेंडमेंट हुआ था तो उसके क्या प्रोविजंस थे, क्या चेंज आया है। ऐसे ही एथिक्स के अंदर आप केस स्टडीज़ देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। फिर मेंस के आंसर राइटिंग, जब आपका आंसर राइटिंग हो गई है, मॉक्स दे लिए हैं आपने, मेंस के जस्ट एग्ज़ाम के 1 वीक पहले आप उस वीक को भी मेंस के एग्ज़ाम जैसा ही प्रोसेस बनाइए, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम थोड़ी एग्ज़ाम प्रोसेस ही बहुत हेक्टिक होती है कि आपको लगातार इतने सारे पेपर्स लिखने हैं, उसमें मेरे तो जैसे फिंगर्स में स्वेलिंग आ गई थी, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना आपकी पेन की जो ग्रिप है वो आपको थोड़ी हल्की रखनी है।
उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने टोटली आफ्टर ये मेंस के रिजल्ट के बाद ही की थी. उसके बाद ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी. उसके अंदर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद आप कहीं पे अपना डेफ भेजिए, आपको डेफ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से आपको पता लगता जाएगा कि और कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं. फिर आप मॉक्स देने जाएंगे, मॉक्स में भी आपको आइडिया लगेगा ओके ये यहाँ से कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. और जो मेन मॉक मेन एग्जाम होता है, जब इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि उन मॉक्स ने आपको काफ़ी हेल्प किया है. तो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में मॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको उनको तो देना ही है. और प्लस रिवीजन इज द की, तो रिवीजन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू.